स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं। एंड जिन लोगों ने सोलर पैनल्स लगवा लिए हैं उनको जो प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं तो उन सब प्रॉब्लम्स का आज हम आपको इस वीडियो में हल बताएंगे। और जो लोग लगवाना चाहते हैं सोलर पैनल्स उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक सोलर पैनल सिस्टम लगवाते वक्त। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सोलर पैनल्स जो सिस्टम होते हैं वो मुख्तलिफ आते हैं, 2 KV का भी होता है, उसके बाद 3 KV का, फिर 5 KV का भी आता है। तो जो हमारे घर में लगा हुआ है वो 5 KV का सिस्टम है। तो अगर आप लोड की बात करते हैं तो हमारे घर में जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें हमारी 2 एयर कंडीशन चलती हैं, उसके अलावा जो घर का नॉर्मल लोड होता है मोटर वगैरह इस्त्री वगैरह वो भी उस पर ईजीली चल जाता है। तो आज मैं आपको इस सारे सिस्टम का रिव्यू दूंगा और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि लगवाना चाहते हैं। तो चलिए हम आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हम चल रहे हैं उस जगह जहाँ पे हमारा सिस्टम रखा हुआ है, जहाँ पे हमारी बैटरीज रखी हुई हैं और कन्वर्टर लगा हुआ है। तो वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हमें वहाँ पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पे बैटरीज़ का कैसे ख्याल रखा जाता है कि बैटरीज आपकी जल्दी ख़राब ना हो। बाज़ लोगों को यही शिकायत होती है कि हमारी बैटरीज जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। उसका एक मेन रीज़न है, उसकी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कुछ उसकी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं तो हमारी बैटरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलती है। अदरवाइज़ अगर आप उसका अपनी ही चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी आपकी। तो चलते हैं हमारे सिस्टम की तरफ। तो ये हमारा इंटरनल सिस्टम है, इसको कन्वर्टर बोला जाता है, जो कि सोलर पावर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और आपके घर में भी देता है, बैटरीज भी चार्ज करता है, तो इसको कन्वर्टर बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट है। और ये जो है ये हमारी 4 बैटरीज हैं जो कि हमारे बैकअप के लिए काम आती हैं। तो ये बैटरीज ओसाका की हैं, ये फुल साइज़ बड़ी बैटरीज़ हैं। एंड इसका मैं अगर आपको फंक्शन बताऊं तो इसको ब्रेकआउट बोला जाता है। एंड ये पैनल्स के पावर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पावर तो सारा आएगा क्योंकि सन होगा ऊपर, तो अगर आप इसको नीचे करेंगे तो वो जो पावर है सन का वो प्लेट्स तक ही महदूद रहेगा, इसमें कन्वर्टर में नहीं आएगा, ना ही बैटरीज को चार्ज करेगा। अगर आप इन दोनों ब्रेकआउट्स को नीचे कर देंगे, इस ब्रेकआउट को भी एंड इस ब्रेकआउट को भी, तो आपका जो पावर है वो प्लेट्स तक ही महदूद रहेगा, पैनल्स तक ही महदूद रहेगा, ना आपके कन्वर्टर में पावर आएगा एंड ना आपकी बैटरीज चार्ज होगी। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी बैटरीज पर कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो बैटरीज़ हैं वो लॉन्ग लास्टिंग चलें एंड जल्दी ख़राब ना हों। उसके लिए आपको इनका पानी चेक करना होगा, हर 15 दिन के बाद आप इनका पानी चेक करेंगे। अगर इसका पानी कम है तो आपको उसका पानी भरना पड़ेगा। अगर आप इसके पानी का सही तरीके से ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी बैटरीज़, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी बैटरीज जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो मैं यहां पे आपको बताऊं कि पानी कितना होना चाहिए। अगर आप ये लिड खोलेंगे तो यहां पे आपको इसका एक किनारा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये वाला नीचे वाला किनारा, यहाँ तक अगर पानी है तो ठीक है। अगर इससे नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा पानी। अगर आप फिल नहीं करेंगे, इसका पानी कम होता गया तो आपकी बैटरीज जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। ये जो आप हमारी बैटरीज देख रहे हैं, 4 बैटरीज, इनको दो साल तकरीबन हो चुके हैं, तो ये अभी भी इनकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी ही है। क्योंकि मैं इनका ख्याल रखता हूँ, हर 15 दिन के बाद इनका मैं पानी चेक करता हूँ, इनका पानी कम होता है तो मैं पानी भरता हूँ, तभी ये 2 साल तक वैसी ही परफॉर्मेंस इनकी रही है। लोगों की 1 साल में ख़राब हो जाती हैं क्योंकि वो पानी चेक नहीं करते, लापरवाही करते हैं, फिर कहते हैं कंपनी का कसूर है, हम क्या करें। अभी हम चलेंगे ऊपर जहाँ पे हमारे जो है वो सोलर पैनल्स रखे हुए हैं, वहाँ हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा चल के। तो चलिए चलते हैं ऊपर, चढ़ेंगे, इनको साफ़ करेंगे। क्यों साफ़ करूँगा मैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इनको साफ़ करना कितना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, 8 प्लेट जो हैं वो हमारी इस छत पर रखी हुई हैं, ये 6 प्लेट्स, वो 4 एंड 6, ये 2 प्लेट्स 8, एंड 8 प्लेट्स हमारी उस छत पे रखी हुई हैं क्योंकि हमारी छत छोटी थी, एक ही छत पे नहीं आ रही थी 16 प्लेट्स। 5 KV के जो सिस्टम होता है उसमें 16 प्लेट्स आती हैं फुल साइज़ की बड़ी। तो ये आप इन पे देख रहे हैं कि किस तरह से इन पर मिट्टी जमी हुई है, इंतहाई किस्म की मिट्टी ये देख रहे हैं आप, इसलिए इनको हम साफ़ करते हैं। इनको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं,
लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी प्लेट्स भाई इतनी ऊपर रखी हुई हों कि सन का पावर जो है वो उस पर सही तरह से पड़े एंड हमारी प्लेट्स जो है वो सही तरह से चार्ज हों, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये जो प्लेट्स हैं ये आपको वहाँ पर लगानी चाहिए जहाँ आप इनको आराम से साफ़ कर सकें, क्योंकि आपने देखा कि इन पर कितनी मट्टी जम चुकी है और इसकी वजह यही वजह है कि जो सोलर की जो लाइट होती है, सन की लाइट होती है, वो इन पर सही तरह से नहीं पड़ती। अगर इन पर मट्टी जम चुकी हो तो वो वाला पावर नीचे सप्लाई नहीं करती जो पहले करती हैं। अगर इनको आप साफ़ करेंगे तो जो सन का पावर है वो डबल ट्रिपल होके नीचे ट्रांसफ़र होता है। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ये प्लेट्स वहाँ पर लगवानी चाहिए जहाँ आप इनको आराम से साफ़ कर सकें। तो अभी इनको हम पानी से साफ़ करते हैं, मैं इनको हर महीने में साफ़ करता हूँ, हर 20 दिन बाद इनकी यही हालत हो जाती है। तो अभी हम इनको साफ़ करेंगे तो उसका भी आपको थोड़ा सा शॉट दिखाएंगे। हमारे साथ सजाद भाई मौजूद हैं। देखें सजाद भाई, ये वही हैं जिनको पिज़्ज़ा वाला थोड़ा सीन किया था, समझ रहे हो। बाद अभी आप इनकी हालत देख सकते हैं कि ये किस हद तक साफ़ एंड क्लीन हो चुकी हैं, बिल्कुल शीशे की तरह। तो अभी जो कल पावर आएगा ना भाई, वो हमें पता है कि क्या पावर आएगा सन का। तो ये वाली हमने साफ़ कर ली हैं सारी प्लेट्स। तो ये आप डिफरेंस देखें, ये हमारी 8 प्लेट्स यहाँ की हमने वॉश कर ली हैं एंड हम अभी वहाँ जाएँगे, वो वाली आप प्लेट्स देखें कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करें।